بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من قال نبي آدم بين الماء والتين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب قرآن عظیم پروردگار عالم کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور قرآن عظیم جیسی کتاب ہمیں عطا کی. قرآن عظیم کو کلام الہی بھی کہا جاتا ہے اور کلام اللہ بھی اس کا نام آیا ہے. پروردگار عالم نے جب انبیاء اکرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو کچھ نبیوں پر صحیفے اتارے گئے, صحیفے کہا جاتے ہیں کچھ کاغذات, کچھ اوراق, اور کچھ انبیاء اکرام وہ گزرے, کچھ رسول وہ گزرے کہ جن کو مستقل کتابیں دی گئی. چار رسول وہ ہیں کہ جنہیں باقاعدہ کتاب مکمل عطا کی گئی, جس میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو توریت دی گئی, حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جن کو زبور عطا کی گئی, حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن کو انجیل عطا کی گئی, اور ہمارے آقا مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہیں قرآن عظیم عطا فرمایا گیا. پچھلی کتابوں میں چونکہ تحریف ہوئی اور تحریف کی وجہ یہ تھی کہ ان کتابوں کو امتوں نے اپنے نبیوں سے اپنے رسولوں سے مانگا اور مطالبہ کیا کہ اللہ سے ہمیں کتاب دی جائے, اللہ سے کتاب ایک اصول و ضابطہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقے کے لیے ہمیں کتاب آپ اللہ کی بارگاہ سے لائیے اور ہمیں دیجئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر نبی کو کتاب دی, رسول کو کتاب دی, اور دینے کے بعد کہا کہ اس کا ذمہ تمہارے ہے, تم اس پر عمل کرو گے, اس کی حفاظت کرو گے تو انعام اور اجر سے نوازے جاؤ گے, اور اگر اس پر عمل نہیں کرو گے, اس میں تحریف کرو گے تو عذاب سے تم ہمکنار کیے جاؤ گے. پچھلی امتوں نے وعدہ کیا کہ ہم کتابوں میں تحریف نہیں کریں گے, اللہ کے کلام کو جو کا تو ہم پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے, مگر جب انہوں نے اپنے آپ پر اپنے ذہن و فکر کے اعتبار سے سختی محسوس کی
किताबों में तहरीक शुरू कर दी, मनमानी तरीके से कुछ चीजें बढ़ा देते कुछ घटा देते। नतीजा ये होता है कि एक किताब जब तहरीक की जाती तो दूसरी किताब अल्लाह ताला दूसरे रसूल पर नाजिल फरमाता, उसमें तहरीक करते, फिर रसूल आते नए, उन्हें फिर एक किताब दी जाती। यहाँ तक के पिछली तीन किताबों में तहरीक हुई और जब कुरान अजीम नाजिल हुआ तो इस किताब को तहरीक से महफूज फरमा दिया गया, और ये कहकर इसे हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मे लिया कि इन्ना नहानो नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लाहाफिज़ून, महबूब हमने ये कलाम, ये जिक्र आप पर नाजिल किया, ये कुरान हमने आप पर नाजिल किया और इसके महाफिज, इसकी हिफाजत करने वाले हम खुद हैं। लिहाजा कुरान अजीम जैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था उसमें ज़ेर ज़बर भी नहीं बदला गया, जो कटो आज भी मौजूद है और सुबह कयामत तक वैसे ही महफूज रहेगा, इसलिए कि इसका जिम्मा परवरदिगार आलम ने खुद अपने जिम्मे कर्म पर लिया। कुरान अजीम अल्लाह की किताब है, इस पर किसी भी मकते फिक्र का कोई इख्तलाफ नहीं है। हर फिरका कहता है कि कुरान अजीम अल्लाह की किताब है, यहां तक कि जो इस्लाम को नहीं मानते उनमें भी बात वो है कि जो कुरान को अल्लाह की किताब तस्लीम करते हैं और इसकी फजीलत पर, इसकी पेशनगुमियों पर, इसके उलूम पर मुस्तकिल उन्होंने किताबें भी लिखी। बात तो वो है कि इसमें ईमान भी नहीं लाए, बाद ने पढ़ा मुताला किया किताबुल्लाह के, जब गहराई में गए, इसके हकायक को देखा, इसकी हकीकतों से वाकिफ हुए, इस्लाम से मुतासिर हुए और इस्लाम में दाखिल हो गए। बात बावजूद के कुरान अजीम की गहराई को देख कर अंगुष्ट बदामा रह गए, ताज्जुब में पड़ गए, हैरत इस्तेजाब में रहे, इसकी फजीलतों का इकरार किया, इसकी गहराई का इकरार किया, मगर इस्लाम न ला सके। तो मैं अर्ज करना यह चाह रहा हूं कि कुरान अजीम के ताल्लुक से किसी भी फिरके का कोई इख्तलाफ नहीं। नतीजा यह हुआ कि बाद में ऐसी भी जमातें आई कि जिन्होंने कहा कि कुरान अजीम जब अल्लाह की किताब है तो हमारे लिए किताबुल्लाह ही काफी है, इसलिए कि तहरीफ से पाक है, लिहाजा इसी पर चला जाए, इसी पर अमल किया जाए और इसके अलावा दूसरी जितनी चीजें सबको छोड़ दिया जाए, सबका रद्द कर दिया जाए। चुनांच एक फिरका बना, मुख्तलिफ फिरके हुए, उन फिरकों फिरकाए बातिला में एक फिरका जो अपने आप को अहले कुरान कहता है, उन्होंने दावा किया कि कुरान चूंकि महफूज है, अल्लाह ने इसका जिम्मा लिया है, लिहाजा कुरान अजीम ही हमारे लिए हिदायत के लिए और अमल के लिए काफी है, हमें हदीस रसूल की कोई जरूरत नहीं है। हदीस का मामला जहां तक है, हदीस का यह है कि चंद इंसानों से चंद इंसानों तक पहुंची हुई रिवायतें हैं, जैसे कि मौलाना अबू आला मौदूदी साहब, हालांकि अहले कुरान फिरके से तो थे नहीं मगर हदीस की अहमियत को इतना नहीं मानते थे, लिहाजा उन्होंने अपनी किताब वसाइल मसाइल जिल्द अव्वल में लिखते हैं कि हदीस क्या है, हदीस चंद इंसानों से चंद इंसानों तक पहुंची हुई रिवायतें हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा यह होता है कि ये मालूम होता है कि नबी पाक की हदीस है, नबी का कौल है, मगर इल्म यकीन हासिल नहीं होता, लिहाजा जरूरी नहीं है कि जिस हदीस को मुहदिसीन जिन्होंने रिवायत किया वो सही कह दे तो हमारे लिए वो काबिल इत्मीनान हो और हम उसे सही कह लें। ये मैंने मफहूमन उनकी बात को बताया, अल्फाज थोड़े इधर उधर हो सकते हैं लेकिन मफहूम यही है उनकी बात का। चुनांचे एक फिरका वो हमारे जमात में हमारे बीच आया जिन्होंने कहा कि कुरान के होते हुए हदीस रसूल की कोई जरूरत नहीं है, कुरान हमारे लिए काफी है। ये फिरका अपने आप को अहले कुरान कहता है, हिंदुस्तान में वैसे बहुत कम पाए जाते लेकिन इनकी बड़ी तादाद आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगी, इसके अलावा दूसरे जो अरबी ममालिक है वहां पर यह फिरका बड़ी कसरत से पाया जाता है। और एक बात यह भी है कि ये फिरका अपने आप में दुनियावी तालीम के एतबार से बहुत वेल क्वालिफाइड होता है, नतीजा यह होता है कि बहुत सारे लोग इनकी बातों को सुनकर मुतासिर होने लगते हैं और सोचते हैं कि वाकई बात तो सही कही जा रही है, हदीस तो मुहदिसीन की लिखी हुई है, बहुत बाद में लिखी गई। अभी जितने वो इनके इतराजात थे वो तो मैं अगली मजलिस में लूंगा, आज के बयान में मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इस्लाम का एक हिस्सा है, जुज है, उसके बगैर भी इस्लाम दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारी दो मजलिसें होंगी इस ताल्लुक से और उसके बाद का फिर जो टॉपिक है वो एक लंबा टॉपिक चलेगा उर्से आला हजरत के बाद,
چونکہ اگلا سنیچر ہو سکتا ہے اور سے اعلی حضرت کے تعلق سے آ جائے, تو دو مجلسے ہم اس تعلق سے کہ آگے بیچ میں منقطع نہ ہو جائے کوئی نئے ٹاپک کا سلسلہ, لہذا ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک مختصر سا یہ ٹاپک لے لیں. اور آج کا عنوان جو ہم نے رکھا ہے وہ یہ کہ کیا واقعی قرآن کے ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کی موجودگی میں کہ حدیث رسول کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یہ آج کا عنوان ہے. تو آج تو میں اپنی تائید میں قرآن اور حدیث سے دلیلیں پیش کروں گا, اور اگلی مجلس میں ان کے وہ اعتراضات اور ان کی وہ باتیں جس کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کافی حدیث کی ضرورت نہیں, ان کی ان باتوں کا ہم جائزہ لیں گے. اب میں آگے آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہی فرقہ جو اہل قرآن کے نام سے بہت پہلے ایجاد ہوا تھا, بعد میں علماء اور ائمہ نے اس فرقے کا جواب دیا, دندان شکن جواب دیا, نتیجہ یہ ہوا ہے کہ فرقہ کچھ حد تک تو ختم ہو گیا تھا, مگر اس فرقے کو پھر دوبارہ زندگی سر سید احمد خان نے بخشی جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تھی. انہوں نے بھی یہی نظریہ اور عقیدہ لایا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث سے رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ نیٹ پر بیٹھتے ہیں آج کل, نیٹ پر چیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں یا وہ فیس بک کا جو ایک ہوتا ہے جس پر گفتگو کی جاتی ہے, تو آپ کو اگر جو لوگ اس سے وابستہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے اہل قرآن کے ماننے والے ایسے فرقے کے تعلق سے رکھنے والے لوگ ٹکرا جاتے ہیں اور وہ بحث کرنے لگتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے. جب آپ ان کو حدیث سناؤ تو کہتے نہیں یہ حدیث ہم نہیں مانتے, قرآن میں ہو تو بتاؤ. تو گویا وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پورا کل اسلام کا سرمایہ قرآن عظیم ہے, قرآن کے علاوہ حدیث سے ہمیں ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اور ہمارے لیے سر سید احمد خان صاحب نے جب اس فرقے کو زندہ کیا تو اس فرقے کو اہل القرآن کا تو نام نہیں دیا علماء نے, البتہ فرقہ نیچری کہا اس کو, اور آج یہ فرقہ علی گڑھ وغیرہ میں بہت زیادہ کثرت سے اس کے ماننے والے پائے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی کچھ ایسے لوگ ٹکرائے ہو کہ جو کہتے ہو کہ نہیں قرآن ہی کافی حدیث پر سنا ہوا, لہذا میں آج قرآن ہی کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی قرآن عظیم کی یہی تعلیم ہے کہ صرف قرآن ہی پڑھا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت نہیں. تو آج میں چند آیتیں پیش کروں گا اس تعلق سے, آیتوں کا بہت بڑا سرمایہ ہے, وہ تمام آیتیں اگر تلاوت کی جائے تو بہت سارے بیانات کی ضرورت پڑے گی. مختصر سی چند آیتیں میں نے جو ہے انتخاب کی ہے تاکہ اپنی بات کی تائید میں قرآن ہی سے پہلے تائید پیش کروں. قرآن عظیم میں پہلی میں آیت آپ کو آج سناتا ہوں, اور اس کے بعد پھر تقریباً 8 آیتیں میں آج تلاوت کروں گا, اور جس سے ہم ثابت کریں گے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ حدیث رسول کی ضرورت ہے. چنانچہ سورہ نساء ہے قرآن عظیم کا, اور پارہ نمبر 5 ہے, آیت نمبر 160 ہے, 59. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو, حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. دو باتیں فرمائیں, اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ کا حکم مانو, اللہ کے حکم ماننا کیسے مانیں آپ اللہ کا حکم؟ تو اللہ کے حکموں کے لیے کتاب اللہ ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو, اپنے حکم کو قرآن عظیم میں اپنے محبوب پہ نازل فرما دیا. اب اگر وہ کہتے ہیں جو لوگ کہ ہمیں قرآن کافی ہے اور حدیث کی ضرورت نہیں, تو انہیں سے میرا یہ سوال ہے کہ جب قرآن کافی ہے تو اللہ نے پھر دوسری باری کیوں فرمایا کہ حکم مانو رسول کا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ رسول کا حکم ایک الگ ہے, اللہ کا حکم ایک علیحدہ چیز ہے, دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا رسول وہی حکم دیتا ہے جس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے, مرضی الہی کے خلاف حکم نہیں دیتا ہوں, اس کا بھی ذکر قرآن میں آئے گا آگے کی آیتوں میں. تو یہاں پہ قرآن خود واضح کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے, اور حکم کس کو دے رہا ہے؟ انسانوں کو نہیں. خطاب قرآن میں یہاں سے شروع نہیں ہوا, یا ایھا الناس اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے لوگو اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی, یہ نہیں کہا. یہ ایھا الذین سے خطاب شروع کیا, اے ایمان والو, ایمان والوں سے خطاب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقی ایمان والے وہ ہے جو حکم اللہ بھی مانتے ہیں, حکم رسول بھی مانتے ہیں, مطلب قرآن بھی مانتے ہیں اور حدیث بھی مانتے ہیں. اور جو قرآن اور حدیث میں سے ایک کو لیتے اور ایک کو چھوڑ دیتے ہیں, تو حقیقی معنوں میں مکمل ایمان والے نہیں ہے, در حقیقت ایمان والے ہی نہیں ہے.
نہیں کہا, اس کے بعد کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور ان کی بھی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں. حکم والوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ امر کو, امر فرمایا جو امر والے ہیں. حکم والے, حکم سے مراد جو شریعت کا حکم تم پہ بیان کرتے ہیں, جو شریعت کے احکام تمہیں بتاتے ہیں ان کا بھی حکم مانو. یہاں سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ میرا حکم مانو, میرے رسول کا مانو اور اولو الامر کا مانو, تو مطلب یہ ہوا کہ رب کائنات جانتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو میں نے قرآن میں بتائی کچھ کی تشریح میرا رسول کرے گا, اور رسول کے کلام کی تشریح جب عوام نہیں سمجھیں گی تو اولو الامر اس کی تشریح کرے گی. تو اب قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں رسول کی طرف رجوع کرنا ہے, اور نبی پاک کا اگر کلام جب ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں اس کے لیے اولو الامر یعنی امام اور ائمہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے. تو قرآن عظیم اطاعت کے تعلق سے صرف اپنی ہی اطاعت کا حکم نہیں دے رہا بلکہ رسول کی بھی اور اولو الامر منکم کی. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 160 میں نے تلاوت کی. اسی طرح سورہ نساء میں دوسری جگہ پارہ نمبر 5 ہی ہے یہ, اور اس کی آیت نمبر ہے 64 نمبر کی آیت ہے. اللہ رب العزت 65 نمبر کی آیت سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ فرماتا ہے محبوب اے رسول تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائے, تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ بنائے. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے, اور پھر یہاں تاکید کے ساتھ قسمیہ ارشاد فرما رہا ہے تمہارے رب کی قسم, تمہارا رب کی قسم کے ساتھ ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارا رب قسم کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ محبوب مجھے اپنے جاہ و جلال کی قسم, اپنے ربوبیت کی قسم, اپنے خدا ہونے کی قسم, وہ مومن نہیں ہوں گے, وہ ایمان والے نہیں ہوں گے کہ جب ان میں کوئی اختلاف ہو جائے, آپس میں جھگڑے ہو جائیں تو اس جھگڑے کو آپ کے سامنے نہ لائے, اور جب آپ حکم دے دے اس پر کوئی حکم آپ بیان کر دے تو اس حکم کو نہ مانے, وہ مومن نہیں ہوں گے. اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر قرآن عظیم مکمل ہمارے لیے مکمل ذات حیات تو ہے, اب اس کی میں ایک تشریح کروں گا بعد میں, قرآن عظیم ہی کافی اور حدیث رسول کافی نہیں ہے اگر, اور رسول کی یہاں ضرورت نہیں ہے, حدیث کی ضرورت نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ محبوب جب تمہارے بیچ تمہارے ماننے والوں کے بیچ جھگڑے ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ قرآن کی طرف رجوع کریں. یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا, آپ کی طرف رجوع کریں اور آپ کو حاکم بنائیں, اور حاکم بنا کے جو فیصلہ آپ کر دیں تو اب نبی جو بھی فیصلہ کریں گے, جو بھی قول بیان کریں گے, جو بھی حکم نافذ کریں گے اس کو ماننا, یہی حدیث ہے, کیونکہ نبی کا قول ہی حدیث ہوتا ہے. حدیث کے معنی ہی ہوتے ہیں قول رسول. حدیث کی تین قسمیں ہوتی ہیں, یاد رکھیے, ہمارے ائمہ نے اور محدثین نے حدیث کی تین قسمیں بیان کی ہیں, اور اس کو آپ ذہن نشین کر لیں. یہ اصطلاحاتیں بہت کام کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے حدیث قولی, دوسری ہوتی ہے حدیث فعلی, اور تیسری ہوتی ہے حدیث سکوتی, جس کو حدیث تقریری بھی کہتے ہیں. حدیث قولی کسے کہتے ہیں؟ وہ جس میں اللہ کے رسول کوئی حکم نافذ فرمائے, اپنی زبان سے کوئی حکم دے, کسی چیز کے کرنے کا ذکر فرمائے, اپنا قول بیان فرمائے, جس میں نبی کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ نبی نے یہ کہا, نبی نے ایسا فرمایا, وہ ہوتی ہے حدیث قولی. اور حدیث فعلی اسے اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی فرماتے نہیں ہیں بلکہ کر کے دکھاتے. جو کچھ نبی کرتے ہیں وہ بھی حدیث ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا, یہ حدیث ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نبی پاک اس طرح یہ فرق کام کیا کرتے تھے, یہ حدیث ہے. تو یہ حدیث کون سی جس میں نبی خود کرتے ہیں افعال فعل انجام دیتے ہیں, وہ حدیث فعلی کہلاتا ہے, اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے. اور تیسری قسم ہوتی ہے حدیث سکوتی یا حدیث تقریری. یہ تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور نبی پاک نے اس کو منع نہیں فرمایا, خاموش رہے, اس کام کو دیکھا, اس کے تعلق سے آپ نے کوئی نہ ممانعت فرمائی نہ منع فرمایا, تو یہ ہو کہلاتا ہے حدیث سکوتی. یعنی نبی نے خاموشی کے ذریعے اس کام کی تائید کر دی. اگر وہ کام اللہ کے نزدیک اور رسول کے نزدیک ٹھیک نہ ہوتا
अल्लाह के नबी की शान ये नहीं है कि उनके सामने कोई गलत काम हो और अल्लाह का नबी उसको गवारा कर ले, आप फौरन मना करते, आपका खामोश होना ही उसके जाहिर और अच्छा होने की दलील होता है। ये भी हदीस कहलाता है और इस हदीस को कहते हैं हदीस सुकूती। उसी तरह अब मैं एक और बात आपको अर्ज करूं, बाद में बताता हूं। तो चुनांचे सूरह निसा की दो आयतें मैंने तिलावत की, जिससे यह साबित होता है कि अल्लाह के कलाम के बाद रसूल के कलाम की भी हमें हाजत है और हमें जरूरत है। इसी तरह कुरान अजीम का भी सूरह निसा की तीसरी आयत है और सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 70 है, जिसमें अल्लाह ताला साफ और खुले लफ्जों में, अब यहां कोई इश्तबा नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है और किसी बहुत ज्यादा तावील और इसकी भी कोई यहां पे गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। 70 नंबर की आयत में सूरह निसा पारा नंबर 5 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैं युतीर रसूल फकत अता अल्लाह। अल्लाह फरमाता है जिसने रसूल की इताअत की उसने हकीकत में अल्लाह की इताअत की। जिसने रसूल का कहा माना उसने अल्लाह का ही कहा माना। जिसने अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी की, जिसने रसूल के हुक्म की फरमाबरदारी की उसने अल्लाह के ही हुक्म की फरमाबरदारी की। अब अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी तो आप कुरान में देखेंगे, मिसाल के तौर पे ईमान लाने के बाद जो चीज नाफिज होती है अहले ईमान पर वो सबसे पहली चीज कौन सी है बताइए। ईमान के बाद जो एक इंसान पर, एक मोमिन पर, एक मुसलमान पर फर्ज हो जाती है, नाफिज हो जाती है, जैसे ईमान लाया, बालिग हुआ, होशमंद है, बाशऊर है, अब वो चीज उस पर लागू हुई, वो क्या है? नमाज। तो अब नमाज पढ़ना है आपको और ये फर्ज आयन है और नमाज का कोई भी फिरका इनकार नहीं करता, हर फिरका कहता है कि नमाज फर्ज है। अल्लाह फरमाते जिसने मेरे रसूल की इताअत की उसने मेरी ही इताअत की। तो हुक्म तो अल्लाह का कि मेरे लिए नमाज को कायम करो, मेरे लिए नमाज पढ़ो, मेरी इबादत करो। तो अब इबादत की कैसे जाए, इबादत का ढंग क्या है, इसके लिए आपको रसूलुल्लाह की तरफ रुजू करना पड़ेगा। और जब आप रसूल को देखकर रसूल के हुक्म के मुताबिक, रसूल के फेल के मुताबिक, हदीसे कौली हदीसे फेली, जब दोनों हदीसों पर आप अमल करते तो अल्लाह फरमाता है अब तुमने अल्लाह की इताअत की, अता अल्लाह, तुम अल्लाह की इताअत करने वाले हो। तो अता अल्लाह की मंजिल पर आने के लिए, अल्लाह की इताअत वाली मंजिल पर आने के लिए पहले इताअत रसूल है। और इताअत रसूल के लिए क्या चीजें मैंने कहा, हदीसे कौली और हदीसे फेली। कौली कौन सी, जिसमें नबी हुक्म दे, तो बाज हुक्म तो है कि नबी ने नमाज के लिए हुक्म दिया और फेली खुद करके भी दिखाया कि किस तरह पढ़ी जाए। चुनांचे दोनों हदीसों पर जब आप अमल करते हैं तो अल्लाह की इस आयत की तकमील पूरी होती है, अता अल्लाह के आपने अल्लाह की इताअत। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी तरह साफ फरमा दिया और आगे इरशाद फरमाता है, वमन तवल्ला फमा अरसलना अलैहिम हफीजा, और जिसने इससे मुंह फेर लिया, जिसने आपकी इताअत नहीं की, आपकी बात को नहीं माना, आपकी हदीस पर अमल नहीं किया, तो अल्लाह फरमाता है तो हमने तुम्हें उनको बचाने वाला बनाकर नहीं भेजा। आप सिर्फ फरमा दीजिए, छोड़ दीजिए उनके हाल पर, अगर आपकी बात वो ना माने तो फिर आप पर इतना जबरदस्ती नहीं है कि अब उनको हर तरह से मनवा के ही रहे, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, इसलिए कि अब उनके लिए हमारे पास अजाब है। तो यहां इस आयत से यह भी बात साबित हुई कि जो हदीस के मुनकिर है अल्लाह के नजदीक वो अजाब के मुस्तहिक है, हदीस पर अमल किए बगैर कोई चारा ही नहीं है। सूरह निसा की तीन आयतें भी आपने सुन ली, अब आइए चौथी आयत करीमा सूरह अहज़ाब पारा नंबर 21 है और आयत नंबर 21 है 21 और पारा नंबर भी 21, आयत नंबर भी 21 और सूरह है अहज़ाब। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लकद काना लकुम फी रसूलुल्लाही उस्वतुन हसना। ये भी देखिए कितना खुले लफ्जों में इरशाद हो रहा है, अल्लाह फरमाता बेशक तुम्हारे लिए रसूल की पैरवी बेहतर है। उस्वा हसना किसे कहते हैं, हसना के मायने बेहतरीन तरीके का, बेहतरीन तरीका अमल, बेहतरीन एक अंदाज, और उस्वा के मायने होते हैं आदत, एक लफ्जी मायने आदत, और क्या होते हैं उस्वा के मायने, आदत व अतवार, चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे लिए हमारे नबी के चलने में, बोलने में, खाने में, हर किरदार में तुम्हारे लिए एक नमूना है। तुम अपनी जिंदगी को उस वक्त तक नहीं सही ढाल सकते, तुम अल्लाह की रजा उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते
जब तक तुम हमारे नबी के चलने को उस तरह ना अपना लो जिस तरह हमारा नबी चलता है, अपने बोलने के अंदाज को उस तरह ना बना लो जिस तरह हमारे नबी ने बोलने का हुक्म दिया, जिस तरह खाने का हुक्म दिया, जिस तरह सोने का हुक्म दिया। गर्ज के जिंदगी का एक एक लम्हा इताअत रसूल में गुजारना है। और ये कब होगा? जब आप रसूलुल्लाह की सीरत को देखेंगे। और सीरत कहां मिलेंगी आपको? हदीस के अंदर। हदीस के बगैर आप नबी के अफाल भी अंजाम नहीं दे सकते। कुरान ने ये नहीं कहा कि हमारा नबी ऐसा सोता है इसलिए तुम भी ऐसा सो, हमारा नबी इस तरह खाता है। कुरान में कहा है? कुरान में नहीं। कुरान ने एक जाब्ता दिया, हमारे नबी के तरीके अफाल में, आदत और अतवार में, हमारे नबी के उसवा, उस नमूने को तुम अपना लो, उस चीज को तुम अपना लो, उसको अपनी जिंदगी में लाहे अमल बना लो। तो अल्लाह ने सिर्फ एक उसूल और जाब्ता दिया, और उस जाब्ते पर अमल करने के लिए आपको रसूल का किरदार देखना पड़ेगा, रसूल का चलना देखना पड़ेगा, रसूल का बोलना, सोना, खाना पीना। अब ये जो कुछ देखना है आपको और उस नबी की सीरत को अपनाना है, तो उसके लिए आपको हदीस की तरफ रुजू करना पड़ेगा। तो इस आयत से भी साबित होता है कि हदीस के बगैर चारा नहीं। चलिए आइए और एक दूसरी आयत तिलावत करते हैं। यह है सूरह नजम, सूरह नजम और पारा नंबर 27 है इसका, आयत नंबर 1, 2, 3, 4। छोटी छोटी आयतें, चारों आयतों में तिलावत कर देता हूं। वन नज इजा हवा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इस प्यारे चमकते सितारे मोहम्मद की कसम जब वो मेराज से उतरे। इसकी तशरीह नूर वाले टॉपिक में इस आयत पे काफी बात हो चुकी है। मा दल्ला साहेब कुम वमा गवा, और तुम्हारे ये साहेब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोमिनों से खिताब हो रहा है कि तुम्हारे साहेब, ये तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे बेहतरीन हमदर्द ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बहके नहीं, बेराह नहीं हुए, कभी गुमराह नहीं हुए, कभी बहके नहीं। और उसके बाद फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा, और कोई बात वो अपनी ख्वाहिश से कहते ही नहीं, किसी चीज का हुक्म अपने आप से देते ही नहीं, अपनी तरफ से कोई हुक्म नहीं फरमाते। कब फरमाते हैं? इन हुआ इल्ला वल्युन युहा, जब तक हम उन पर वही नाजिल ना करते। अब वही यहां पर लफ्ज आया है, तो अहले फिरका जो अहले कुरान है वो क्या कहते हैं? वही से मुराद कुरान। तो अब नबी पे जितना कुरान आया उतना ही मानो, बाकी छोड़ दो। तो अब मैं यहां पर दो चीजें बता देता हूं कि ये उनकी गलत फहमी है। नंबर एक, वही की असल में दो किस्में है, एक है वही खफी और एक है वही जली। ये दो किस्में होती है, वही है जली, वही है खफी। वही है जली, जली के मायने होते खुला हुआ जाहिर। वही खली जली क्या है? ये कुरान अजीम, जो कुछ जाहिर में आया जिब्रील लेकर आए, नबी ने अपने सहाबा से कहा, अल्लाह ने ये हुक्म नाफिज किया और कुरान की आयत बन के उसको तहरीर करा कर दिया गया। नबी ने हुक्म दिया अल्लाह का कलाम में लिख दो, ये वही कहलाती है वही जली। और एक वही होती है वही खफी, जिसका जिक्र कुरान में नहीं है मगर अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिया, कुरान में नहीं आया। जैसे एक मिसाल दे दूं मैं आपको, ज्यादा दूर मत जाइए। मेराज की रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ हाजिर हुए अपने रब की बारगाह में, कुर्ब खास खुदावंदी में पहुंचे। कितने अरसा रहे? कोई हद्दो शुमार नहीं। कितना अरसा सफर किया? कोई शुमार नहीं। अपने रब से कलाम किया, जो कुछ कलाम किया उसका कुरान में कहीं जिक्र ही नहीं है। तो अब ना अल्लाह ने रूबरू अपने नबी से जो कुछ फरमाया, ये वही खफी है, वो रसूल जानते हैं और अल्लाह जानता है, कोई नहीं जानता। उसमें से अब रसूल ने जितना चाहा उतना बता दिया और जितना नहीं चाहा नहीं बताया। बहुत हिस्सा तो नबी ने बताया ही नहीं, और जो कुछ बता दिया तो वो भी कुरान नहीं बना, वो क्या बना? हदीस बना। तो वही दूसरी किस्म वही की एक क्या होती है? वही खफी, दर हकीकत वही होती है हदीसे रसूल। तो अब यहां पर अल्लाह फरमा रहा है कि हमारा महबूब बगैर ख्वाहिश के कहता ही नहीं, तो मतलब यह हुआ कि अब नबी जो भी बोल रहे हैं, मतलब जो भी हदीस निकल रही है, दर हकीकत वो भी वही है मगर वही जली नहीं है, वही खफी है। उस पर भी ऐसी ही मानना है जैसे कुरान अजीम को मानना है, इसके भी आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर आप कहें कि नहीं कुरान में जितना है उतना हम मानेंगे, नबी ने जो कहा वो नहीं मानेंगे, तो कुरान कह रहा है हमारा नबी तो हमारी मर्जी के बगैर कहता ही नहीं है, जब कहता है तो हमारी मर्जी के मुताबिक कहता है, हमारे मस्जिद पे कहता है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अल्लाह ताला खुद अपने बंदों से फरमा रहा है कि देखो मेरे नबी के हर कौल को ले लिया करो, हर कौल पर अमल किया करो, जो भी नबी का कौल तुम तक पहुंच जाए उसको ना ठुकराना, इसलिए कि वो हमारे ही मर्जी के मुताबिक कहलवाया गया है, इस पर तुम्हें अमल करना है। इसके बाद आइए कुरान अजीम का ये सूरह हश्र है और पारा नंबर 28, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, अल्लाह इरशाद फरमाता जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाए उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हू फंतहु, और अल्लाह फरमाता है जिससे हमारा नबी मना कर दे रोक दे उससे रुक जाओ। यहां क्या फरमाया, हमारा रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिस चीज से मना कर दे उससे रुक जाओ। यहां साफ वाजे हो गया कि कुछ चीजें तो वो है कि जिसको हमने कुरान में तुम्हें हुक्म दिया करो, कुछ चीजें वो है कि जिसमें हमने कुरान में कहा मत करो, और कुछ चीजें वो है कि जिसमें हमारा नबी कहेगा करो, और कुछ चीजें वो है जिसमें हमारा नबी कहेगा मत करो। तो हमारा नबी जो कहेगा वो हदीस होंगी और हम जो कह रहे हैं वो कुरान है, तो कुरान अलहदा हो गया, हदीस रसूल अलहदा है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और अल्लाह यहां हुक्म दे रहा है कि हमारा नबी जिस चीज से मना कर दे रुक जाओ, इसका मतलब ये हुआ कि नबी जो चीज कह रहे हैं वो कुरान से अलग है, तो नबी का हुक्म भी अल्लाह का ही हुक्म है, उससे भी हमें रुक जाना है, उस पर भी हमें अहकाम पर अमल करना है। नबी का हराम करदा भी हमारे लिए हराम है जिस तरह अल्लाह का हराम करदा हमारे लिए हराम है, नबी का जायज करदा भी हमारे लिए जायज है जिस तरह अल्लाह का जायज करदा हमारे लिए जायज है। इस आयत से भी यह साबित हुआ कि हदीस रसूल के बगैर हमें कोई चारा नहीं है। आइए सूरह जुमा और सूरह जुमा की आयत नंबर 2, पारा नंबर 28 है, अल्लाह रब्बुल इरशाद फरमाता है हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीईन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफी दलालिम मुबीन। अल्लाह इरशाद फरमाता वही है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा, और वो रसूल क्या किस लिए भेजा, यतलू अलैहिम आयाती, कि वो उन्हें आयते कुरान पढ़कर सुनाता है, अल्लाह के अहकाम उन्हें बताता है, वयुज़क्किहिम वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिक्मा, और उन्हें पाक करता है गुनाहों से और उन्हें किताब और हिकमत का इल्म देता है। यहां कुरान ने साफ फरमाया कि हमारा महबूब क्या करता है, काम बता रहा है अपने रसूल के अल्लाह ताला कि हमारे रसूल का काम क्या है, गुनाहों से लोगों को पाक करना, रसूल का काम क्या है कि रसूल के जरिए हमने किताब उम्मत तक पहुंचाई, अपने बंदों तक पहुंचाया, और तीसरा काम क्या फरमाया, हमारा नबी हिकमत की बातें सिखाता है। तो अब जो कुछ नबी सिखाए हिकमत की बात वो क्या है, हदीस, और उसको नहीं मानेंगे तो अल्लाह की हिदायत के आप मुनकिर हो गए, बात समझ में आ रही है ना। और उसके बाद क्या फरमाया, वाइन कान में कबलू लफी दलालिम मुबीन, हालांकि इससे पहले वो खुली गुमराही में मौजूद पड़े हुए थे, हमारे नबी ने उनको गुमराही से निकाला, कुरान अता किया। यहां कुरान और हिकमत दो अलग अलग बातें बयान की, हमारा नबी किताब की आयतें पढ़ता है, तो जो आयतें पढ़ता है वो कलाम इलाही है, और फिर अल्लाह फरमा रहे हिकमत की बातें सिखाता है, तो हिकमत की बात कौन सी है, नबी का कौल, नबी के जुमले, और जो नबी के जुमले है वो हिकमत की बात है, वो कौन सी है, वो हदीस है। लिहाजा इन कुरान की मैंने ये 7 आयतें अभी तक पढ़ी है, और 8 भी आयतें आप सुन लीजिए जिसमें साफ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इरशाद रब्बानी होता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, महबूब फरमा दीजिए अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे और तुमसे राजी हो जाए, तो आप फरमा दीजिए कि फिर कहो कि तुम मेरी इताअत करो। तो इताअत रसूल आप कैसे करें, इताअत रसूल के लिए आपको हदीस रसूल की तरफ रुजू करना पड़ेगा। अब आइए मैं कुछ हदीसें आपको बता दूं कि जिसमें अल्लाह के नबी ने पहले ही पेशनगुजियां फरमा दी थी कि ऐसे भी फिरके वाले फिरके पैदा होंगे कि जो माज अल्लाह हदीस रसूल का इनकार करें। चुनांचे ये मिश्कात शरीफ है, ये मिश्कात की पहली जिल्द है, और मिश्कात हदीस की मोतबर किताबों में शुमार होती है। मिश्कात की पहली जिल्द के अंदर इसका बाब है
बाबुल इतिसाम बिल किताब व सुन्ना, यानी किताब और सुन्नत पर अमल करना और उस पर यकीन करना, ये बाब का नाम है। और साहिब मिशकात ने यह हदीस जो नकल की है, हदीस का नंबर है 155, पहली जिल्द की 155वीं हदीस है। ये तवील हदीस है, इसका मैं कुछ हिस्सा पढ़ता हूँ। ये हदीस रिवायत है, वाइन रिवायत करते हैं, वानिल मिकदाम बिन माद करीब, हजरत मिकदाम बिन माद करीब रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनका नाम है, ये सहाबी रसूल रिवायत करते हैं, कहते काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अला इन्नी उतिल कुरान व मिसलहु माउ अला युशक रजुलुन शवानु अला अरातही। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ लोगो खबरदार हो जाओ, अला खबरदार हो जाओ, खबरदार करके क्या फरमा रहे, बेशक इन्नी बेशक उतिल कुरान व मिसलहु माउ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के मिसल मुझे एक चीज और अता, जैसे कुरान है अल्लाह का कलाम, वैसे ही मुझे भी एक चीज अता की गई, और वो क्या है, वो है हदीस रसूल। अब उसके बाद अल्लाह के नबी क्या फरमाते, अला युशक्को रजुलुन, और मैं देखता हूं अनकरीब ऐसा होने वाला है कि एक शख्स शक करने वालों में से, अला आरात ही तकिए से टेक लगाए बैठा हूं, ये नबी पाक उसका एक मंजर खींच रहे हैं, तकिए से टेक लगा के बैठा हूं, इससे क्या मुराद है, घमंड। आदमी तो बोलते हैं ना, अरे यार मैं मिलने गया तो ऐसे बैठे थे, टेक लगा के बैठे थे, मतलब बड़े घमंडी है, उठे भी नहीं आ रहे, तो पीढ़ी भी नहीं हटाई उन्होंने, बैठे भी नहीं उठ के मिल जाने का, तो ये घमंड की अलामत है। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि वो घमंडी होगा एक तरह का, और शक करने वाला होगा वो, किस चीज में, मेरी हदीसों में, यो शक्कू, वो मेरी हदीसों में शक करने वाला होगा एक शख्स, और तकिए से टेक लगा के घमंड में बैठा हूंगा और कह रहा हूं यकूल अलैकुम बेहाजल कुरान, हमें तो अल्लाह की ही किताब काफी है, हदीस की जरूरत नहीं है। ये नबी की पेशन गोवी देखी, इल्म गैब रसूल है, वो टेक लगा के कह रहा हूंगा और कह रहा हूंगा क्या, हमें कुरान ही काफी है, हदीस की जरूरत नहीं है। यहां एक लफ्ज इस्तेमाल किया, शबान वाला आराते ही, पेट भरा हुआ, शबान के मायने होते पेट भरा हुआ, यानी घमंड का अलग ये होगा कि पेट भरा हुआ है, खा के मुस्तंदा हो गया, तक्के से टेक लगा के बैठा हुआ है, और टेक लगा के कह रहा हूंगा हमें हदीस रसूल की जरूरत नहीं, हमें कुरान ही काफी है। फमा वजतुम फीहे मिन हलालिन फहिल्लूहु वमा वजतुम फीहे मिन हरामिन फहर्रमूहु वइन्न हराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दर हकीकत मामला क्या होगा कि रसूल अल्लाह फरमाते कि जिसको मैंने हराम कर दिया वो ऐसा ही हराम है जैसे अल्लाह ने उस चीज को हराम कर दिया, जिस चीज को मैंने हराम किया वो ऐसे ही है जैसे उसको अल्लाह ने हराम किया हो। और उसके बाद नबी ने भी मिसाल भी दी वहां पर कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कमा हर्रम अल्लाह अला ला युहिल्लु लकुम अल हिमार, मैंने गधों को हराम किया, और फरमाते हैं कि उसी तरह मैंने हराम किया किनको, दांत नोकीले दांत वाले जानवरों को। तो जिस तरह मैं गधे को हराम करता हूं, नोकीले दांत वाले जानवरों को हराम करता हूं, और ये तुम पर ऐसे ही हराम है जैसे गोया अल्लाह का हराम करता। इस हदीस से दो बातें समझ में आती है हमारे लिए साहब, पहली तो ये कि अल्लाह के रसूल ने पेशन को भी फरमा दी थी कि ऐसे लोग आएंगे कि जो हदीस रसूल को नहीं मानेंगे, मेरी कहेंगे कि हमें हदीस की क्या जरूरत है, हमारे लिए तो कुरान ही काफी है। और नबी पाक दूसरी बात फिर उसकी रद्द करके फरमा रहे हैं कि आगाह हो जाओ, हकीकत ये है कि जिस चीज को मैं हराम कर दू अल्लाह की ही हराम करदा की तरह है, और मैं हराम करता हूं गधे का गोश्त तुम पर हराम करता हूं, जबकि अल्लाह ने उसको हराम नहीं किया, कुरान में अल्लाह ने गधे का कहीं जिक्र नहीं फरमाया। नबी पाक फरमाते मैं हराम कर रहा हूं गधे का गोश्त, और हर वो जानवर को हराम कर रहा हूं जिसके नोकीले दांत है, जो चीर फाड़ करके खाता है, मैं हर उस जानवर को हराम कर रहा हूं, और आगाह हो जाओ ये ऐसे ही हराम है जैसे अल्लाह की हराम करदा चीज है। तो इससे मालूम हुआ कि हदीस रसूल भी हमारे लिए नस कतई का हुक्म रखती है, नस का हुक्म रखती है। आइए मिशकात की एक और हदीस इसी के अंदर मैं तिलावत कर देता हूँ, इसी के अंदर ये सफा 55 पे हदीस थी, और सफा 60 पर एक हदीस है मिशकात की, पहली जिल्द है, और वही बाब है, बाब का नाम वही जो मैं पढ़ा, और हदीस नंबर 176 है।
इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन मालिक इब्ने अनस रदियल्लाहु तआला, मालिक इब्ने अनस सहाबी रसूल रिवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फिकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तसम्मा तमस्सकुतुम बिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूलिही। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हें दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, तरक्तु छोड़ रहा हूं, फिकुम अमरिन दो बड़े हुक्म तुम्हें छोड़ रहा हूं, दो बड़ी चीजें, लम तदिल्लो जब तक थामे रहोगे गुमराह नहीं होंगे, जब तक पकड़े रहोगे हिदायत पे रहोगे गुमराह नहीं होंगे, और वो क्या है, मा तमस्तकल तुम बीमा हो बीमा ही मा किताबुल्लाह, पहली तो ये कि जब तक किताबुल्लाह को तुम थामे रहोगे गुमराह नहीं होंगे, वह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी चीज मेरी सुन्नत। नबी ने दो चीजें फरमाई, पहली चीज क्या फरमा रहे हैं, किताबुल्लाह, और दूसरी मेरी सुन्नत। मतलब इस हदीस से भी ये बात वाजे हो जाती है कि इस्लाम की दो बुनियादी चीजें अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह की सुन्नत, तो किताबुल्लाह को भी मानना है और सुन्नत रसूल को भी मानना है, ये हदीस बताती है, और सुन्नत रसूल आपको कहां मिलेगी, हदीस की किताबों में। आइए एक तिलावत कर देता हूं एक और हदीस, ये है तिर्मिजी शरीफ, और तिर्मिजी की ये दूसरी जिल्द है, तिर्मिजी शरीफ की इसका हदीस नंबर 538, और ये हदीस शरीफ जो है ये रिवायत है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला से, तवील हदीस है, इसका आखिरी का जो हिस्सा है अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नबी पाक इरशाद फरमाते, इन्न बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व सबईन मिल्ला मिल्लता, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों, कौम बनी इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गई, 72 फिरकों में इख्तलाफ होकर बढ़ गई, वतफ्तरिकु उम्मती, मेरी उम्र बढ़ जाएंगी, अला सलासीन व सबाइन मिल्ला मिल्लता, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेंगे, मशहूर हदीस है, आपने बहुत बार सुनी होगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतुम वाहिदा, सिवाय एक जमात के। आलू मन ही है या रसूलुल्लाह, साहब इकराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नती जमात की पहचान क्या है, जन्नती जमात की निशानी क्या है, काला, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मा अना अलही व असहाबी, जन्नती जमात की पहचान यह है कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर हो, क्या फरमाया, जन्नती जमात की पहचान क्या है, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर हुआ। अब यहां नबी सारे लफ्जों में कह रहे हैं कि मेरी उम्मत कौरब कयामत 73 फिरकों में बटेंगी, मतलब यह हुआ कि उन 73 फिरकों में एक ये भी फिरका होगा जो कहेगा मैं अल्लाह की किताब काफी है, हमें रसूल की जरूरत नहीं है, सुन्नत की जरूरत नहीं है, हदीस की जरूरत नहीं है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब पहले ही इरशाद फरमा दे रहे हैं कि लोगों आगाह हो जाओ, जन्नती जमात की निशानी क्या है, जन्नती जमात की निशानी यह है कि जो मेरे अकीदे पर, मेरे तरीके पर और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा, तो तरीका रसूल और तरीका सहाबा आपको कहां मिलेगा, हदीस में। आप कोई रहे नहीं, चलो ठीक है, अल्लाह के रसूल का जो तरीका है वो कुरानी में, अच्छा चलो ठीक है भाई कुरान में, अब आपकी मान लेते थोड़े, फिर साहबा का तरीका, यहां तो नबी ने साहबा को भी मिलाया ना, तो अब साहबा का तरीका कहां है कुरान में बताइए, तो नहीं मिलेगा आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि हदीस नहीं। आइए मिशकात शरीफ की दूसरी जिल्द है, और इसके अंदर एक बहुत प्यारी हदीस अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो मेरे बात के टुकड़े को और वाजे कर देती है, ये मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 5762 जिल्द 2, और किताबुल फितन की हदीस है, और इसका बाब जो है मनाकिब सहाबा, सहाबा इकराम की फजीलतों का बयान, सहाबा की फजीलतों का बयान कर रहे हैं इसमें हजरत साहिब मिशकात, और इसकी हदीस नंबर 5762 हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से हदीस शरीफ रिवायत है, हजरत उमर कहते वन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, उमर इब्न खत्ताब से रिवायत है कि वो कहते हैं
कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, क्या कहते हुए सुना, असहाबी कान नजूम फबिअयहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, इनमें से तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पालोगे। अब सहाबा का तरीका कहां है, हदीस, जिसकी भी पैरवी करोगे, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी भी पैरवी करोगे, जिसकी भी इब्तिदा करोगे, और पैरवी के लिए सबसे पहली चीज क्या है, हुक्म होना, तो सहाबा जो हुक्म दे उस पर अमल करना, यह भी जन्नती होने की दलील है। तो इसका मतलब यह होगा कि जो सहाबा हुक्म देंगे वो वही तो नहीं होंगी, कुरान तो नहीं होगा, वो सहाबा का अपना कौल होगा, सहाबा का अपना अमल होगा, और अल्लाह के नबी पेशगी फरमा रहे हैं कि तुम मेरे सहाबा में से किसी एक सहाबी का भी अमल अपने इख्तियार कर लोगे तो मैं अल्लाह ताला हिदायत पे कर देगा, जन्नती फरमा देगा। तो ये हदीसें हमें साफ बता रही है कि हदीस की हमें जरूरत है, इसकी दलीलें बहुत सारी है। अब मैं एक बात यहां खुले तौर पर अर्ज कर देना चाहता हूं कि जो लोग जब हदीस की जरूरत ही नहीं मानते तो फिर वो इन हदीसों को क्यों माने, ये एक सवाल है ना, ये सवाल आपके जहन में नहीं आया, अरे भाई मैं ये हदीस सुना रहा हूं सहाबा सितारों की मानी तो वो ये हदीस को क्यों माने, कहेंगे जब हम रसूल की हदीस नहीं मानते तो ये हदीस क्यों माने, जब हम बुखारी को नहीं मानते तो मिश्कात को क्यों माने, तिर्मिजी को क्यों माने, हम तो हदीस ही के मुनकिर है, हमें तो हदीस की जरूरत ही नहीं, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि कुरान मानो, तो आप ये जो हदीसें तो सुना रहे हैं, एक तकिया लगा के बैठा हूंगा, हम इसको भी नहीं मानते, मेरी उम्मत 72 फिरकों में बटेंगी, ये भी हदीस है, हम इसको भी नहीं मानते, और इस तरह के जितनी मैंने भी हदीसें सुनाई कि सहाबा पे जो तरीके पर है वो जन्नती है, हम इस हदीस को भी नहीं मानते, हम तो सिर्फ कुरान को मानते हैं, आप जितनी हदीसें सुनाएंगे इस ताल्लुक से, हम जब हदीसी को नहीं मानते तो इन हदीसों को क्यों माने, ये इतराज आता है ना। तो इन लोगों के लिए मेरे पास चंद सवाल आते हैं, और ये इंशाल्लाह नेट पर जब चले जाएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जो भी हजरात नेट पर सुन रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जब वो नेट पर इसको देखें तो मेरे इन सवाल के जवाब मेरे पते पर भेज दें, तो मैं भी जान लूं कि आप वाकई अहले कुरान फिरके के मानने वाले हैं और आप में दयानत और इल्म है। अब आइए जरा मैं बता, एक चंद मेरे सवाल है, मैंने चार सवाल यहाँ किए, चार सवाल हैं, हालांकि इस पर बहुत सवाल बना सकते लेकिन वक्त बहुत कम होता है ना हमारे पास, अगली मजलिस में देंगे इंशाल्लाह। पहला सवाल, कुरान के अंदर जो सूरतें हैं, 114 कुल सूरतें हैं कुरान के अंदर, 114, पहली सूरत कहां से शुरू होती है, सूरह फातिहा, फिर दूसरी सूरत सूरह बकर, फिर आले इमरान, फिर सूरह निसा, इस तरह ये एक के बाद एक सूरत है, इस तरह कुल सूरतें 114 है, कुछ अलग रुकू है, आयत नंबर है, आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, ये जितने कुरान में मौजूद है ये कुरान का हिस्सा है, ये किस आयत से साबित है ये बताइए आप, ये पहला सवाल है। भाई सूरह निसा, ये कुरान ने कहां कहा कि ये सूरह निसा है, कुरान से दलील दीजिए। ये सूरह बकर है, कुरान ने कहां कहा कि ये जो अभी शुरू हो रहा है ये सूरह बकर है, कुरान में कहा है कि देखो ये आयत यहां खत्म हो गई, कुरान में कहा है ये कुरान कह रहा हो ये रुकू पहला खत्म हो रहा है यहां से दूसरा रुकू चालू हो रहा है, कुरान में नहीं, ये कहां है, ये तो अल्लाह के नबी ने मुतय्यन फरमाया, इस सूरत का नाम सूरह निसा रखो, इस सूरत का नाम सूरह बकर रखो, ये आयत यहां खत्म हो गई, ये आयत यहां से शुरू हुई, इस सूरत में इतनी आयतें हैं, और वही मुख्तलिफ अंदाजों में तिलावत नाजिल होती थी, सबसे पहली वही कौन सी आई अल्लाह के नबी पे, इकरा, पढ़ो अपने रब के नाम से, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने आपको पैदा फरमाया, जिसने इंसान की तखलीक की। मगर ये सूर्य आयत कहां है तो बहुत आगे, और कुरान जैसी खोलते तो पहली आयत क्या आती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्यों तो नबी ने जहां चाहा वहां रखवा दिया, और उसी तरीके से आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी नहीं इम्तियाज कर सकते कि नबी पे पहली कौन सी आई, दूसरी कौन सी आई, तीसरी, जैसे जैसे नाजिल उसके अतबार से हम तरतीब दे, आप नहीं दे सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कब 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 कौन सी आयत नाजिल। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुरान भी आप बगैर हदीस के नहीं मान सकते, सूरतें आप बगैर हदीस के नहीं मान सकते, आयतें आप बगैर हदीस के नहीं मान सकते। अच्छा, और चलिए मैं इसमें थोड़ा इजाफा कर देता हूं, इसी सवाल में जम कर रहा हूं, आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
हे पे जबर, दाल पे जबर, और रब्बी के बे के नीचे जेर, ये जेर जबर, ये किसने लगाया? ये तो नबी ने नहीं लगाया, साहबा ने भी नहीं लगाया, ये हज्जाज बिन यूसुफ ने लगाया बहुत बाद में। तो आपने कैसे मान लिया कि रब्बिल आलमीन है, रब्बुल आलमीन नहीं है? कुरान से साबित करके बता दीजिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, ये कहां से साबित हुआ? तो आप कहेंगे ये लुगत में है। आप कहेंगे अहले लुगत ने कहा, तो मैं कहूंगा वाह यार, जब कुरान पढ़ने के लिए आप लुगत का सहारा लेने के लिए तैयार है, रसूल का सहारा लेने के लिए तैयार है, कितने ताज्जुब की बात है। अहले लुगत ने, अहले डिक्शनरी लिखने वालों ने कह दिया कि इसको जबर से ही पढ़ो, तो आप जबर से पढ़ रहे हैं, जेर से पढ़ो तो देर। लुगत वालों ने कहा देखो ये जबर से जेर से पढ़ोगे तो मायने ये हो जाएंगे, पेश से पढ़ोगे तो मायने ये हो जाएंगे, आप उनकी पाबंदी कर रहे हैं, मगर नबी की पाबंदी करने के लिए आप तैयार नहीं। तो ये मेरा पहला इतराज था। अब आइए दूसरा इतराज। चलिए आप लुगत के बहुत शैदाई लोग हैं, और जैसा अहले लुगत ने कहा वैसी पढ़ते हैं, तो मैं एक आयत पढ़ता हूं, और ये आयत कुरान में 70 जगह आई है। कितनी जगह? 70 जगह। अब बड़ी मशहूर आयत है, आयत क्या है? आकीमुस्सलात वातुस्सका। अल्लाह फरमा, मैं तर्जुमा कर रहा हूं वो जो अल्लाह के नबी ने बताया, और अल्लाह के नबी से साहबा ने, साहबा से अइमा ने बताया, उन्होंने जो बताया उनके मुताबिक मैं तर्जुमा कर रहा हूं। तर्जुमा यह है, कायम करो नमाज और अदा करो ज़कात। चलिए लुगत खोलते, डिक्शनरी, अरबी की डिक्शनरी खोलिए, अलमुंजिद खोलिए, मिसबाहुल लुगात खोलिए, कामूस खोलिए, ये अरबी की डिक्शनरियां हैं, ये अहले लुगत के बड़े बड़े माहिरीन ज़बान, माहिर लिसान की डिक्शनरियां। सलात के मायने देखते हैं। अल्लाह फरमा रहा है आकीमुस्सलात, कायम करो नमाज। सलात के मायने क्या है देखिए जरा। एक मायने है भाग दौड़ करना। क्या है मायने? एक भाग दौड़ करना, भागना दौड़ना। दूसरा, टेढ़ी लकड़ी को तेल लगाकर सीधा करना, कमची को, जो कमची टेढ़ी हो कोई, उसको सीधा करते बैठे रहना, सलात के मायने। तीसरे मायने, कमर पर हाथ रख के नाचना। तो आपने, और चौथे मायने, इबादत करना, नमाज पढ़ना। सवाल यह पैदा होता है कि चार मायने हैं, चार में से आपने नमाज ही क्यों ली, ये क्यों नहीं लिया? कायम करो वाकी आकीमुस्सलात, कमर पे हाथ रख कर नाचो, टेढ़ी कमची को सीधा करो, और कुरान का अगर भाग दौड़ लो तो अल्लाह फरमा रहे और भागते रहो, दौड़ते रहो। तो आपने दौड़े नहीं, आप कमर पे हाथ रख के नाचे नहीं, कमची को सीधा नहीं किया, बल्कि आप आकीमुस्सलात, सलात से मुराद आपने नमाज ली, और नमाज लेके सीधा आप मस्जिद में पहुंच गए। मैं पूछता हूं कि भाई आपने सलात के मायने नमाज ही किस आयत से लिए, किस हदीस से लिए, वो बता दीजिए। तो आपको कहना पड़ेगा कि सलात के मायने नमाज है, क्यों? कि जब आपकी मुसलात कुरान ने कहा तो नबी ने नमाज पढ़ी, तो मैं कहूंगा ये हदीस है, ये कुरान नहीं है, ना आपको हदीस पे आना पड़ा। और दूसरी चीज, एक जगह कुरान फरमाता है नमाज का बहुत ज्यादा हुक्म दिया अल्लाह ने, अल्लाह एक जगह फरमाता है इस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह, और नमाज से मदद चाहो, नमाज से मदद चाहो। सलात, नमाज का ही तर्जुमा क्यों लिया गया? यह भी तो हो सकता है कमची को सीधा कर करके मदद लो, भाग भाग के मदद लो, कमर पे हाथ रख के नाच नाच के मदद लो, नाचने से मदद लो, भागने से मदद लो, ये क्यों नहीं लिया आपने? नमाज से ही मदद क्यों लिया? तो कहना पड़ेगा कि नबी ने कहा कि जो कहा जा रहा है इस्ताइनो, मदद लो, हाँ इमदाद हासिल करो, किससे? सलात, सलात से मुराद यह नमाज ही है, क्यों? नबी ने कहा है, और नबी ने कहा वही हदीस है। अब दूसरा हुक्म क्या दिया कुरान ने? वातु ज़कात। वातु के मायने होते अदा करना। अब ज़कात के मायने जरा डिक्शनरी में देखिए, अरबी ज़बान का लफ्ज है ज़कात। एक मायने होते किसी चीज का उम्दा हिस्सा निकालना, किसी चीज से अच्छा हिस्सा निकालना। मिसाल के तौर पे बहुत सारे सड़े हुए संतरे हैं आपके पास, तो उसमें से कोई साहब बैठे हैं और उसमें से अच्छे अच्छे संतरे निकालते अलग करते जा रहे हैं, तो उसको अरबी में कहा जाएगा ज़कात, मतलब सड़ी हुई चीजों में से अच्छी चीजें बाहर करना, उम्दा हिस्से को अलहदा करना, एक मायने ये। दूसरा मायने होते सदका देना, तीसरे मायने होते पाकीजा करना, और चौथे मायने तो बड़े मजेदार है, कपड़े धोना। क्या होते हैं? कपड़े धोना। तो भैया जब आप हदीस नहीं मानते तो एक काम किया करो,
कमर पे हाथ रख के नाच लिया करो और कपड़े को धोते रहा करो। पूछे क्यों, तो कहा कुरान ने 70 बार कहा कमर पे हाथ रख के नाचो और कपड़े धो, ज़कात के यही मायने। तो आपने सारे मायनों को छोड़कर ज़कात से मतलब वही लिया कि गरीबों में से अपने माल में से कुछ हिस्सा निकाल कर अदा करो साल में एक बार। ये क्यों लिया? नबी ने करके बताया कि ज़कात का मतलब ये है, कपड़े धोना नहीं है। और जो नबी ने बताया वही हदीस है। तो आप कुरान पर बगैर हदीस के कुरान पर भी अमल नहीं कर सकते। अच्छा चलिए, अब ज़कात आपने तो ले लिया मुराद, नहीं साहब ज़कात ही अदा करना है। और ज़कात क्या करना है? 2.5%, 100 में से 2.5% देना है। 2.5% देना ही कुरान की किस आयत में आया है? ये भी नहीं आया। 5% देना है, 6% देना है। तो आप एक काम करो, जब कुरान में तो आया नहीं और आप हदीस को मानते नहीं, तो हदीस में 2.5%, तो हदीस को नहीं मानते तो हिंदुस्तान की जो हुकूमत है जहां आप रहते हैं वहां पर टैक्स लगता है 30%, तो आप 30% निकाला करो, कम मत निकाला करो। क्यों? कम निकालोगे तो हदीस पे अमल हो जाएगा, 2.5 निकालोगे तो हदीस पे अमल होगा, हदीस पे अमल नहीं करना तो 30 निकाला करो। और कहा करो क्यों? कहना के साहब हदीस को हम मानते नहीं है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30% ले तो ये तो इस्लाम के नाम पर दे रहे हैं, तो इसमें हम 35 दिया करेंगे। तो अभी समझ में आ जाएगा हदीस का। तो आप समझ रहे हैं, ज़कात का परसेंट भी बगैर हदीस के नहीं मालूम आपको। फिर परसेंट भी अलग अलग चीजों में अलग अलग है। भेड़ हो तो कितनी भेड़ें निकाली जाए, खेत में गेहूं का गल्ला हो तो कितना निकाला जाएगा, जवार का गल्ला हो तो कितना निकाला जाएगा, सोने पर कितनी है, चांदी पर कितनी है, दिरहम पर कितनी है, सबकी कैटेगरी अलग अलग है। वो तो हदीसों में आया, और फिर जो हदीसों में आया वो दिरहमों के वजन से है, उसको आप और हम नहीं समझ सकते। तो हमारे उलमा और हमारे अइम्मा ने हमारी अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके बताया, 52.5 तोले चांदी हो तो ज़कात है, 7.5 तोला सोना हो तो ज़कात है। वरना आप बताओ 7.5 तोला सोना पे ज़कात कुरान में कहां लिखा है? 52.5 तोले चांदी का कुरान में कहां जिक्र आया बताइए? नहीं आया। तो ये मेरा दूसरा सवाल है कि अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात जो कुरान ने कहा, अगर इसके आप हदीस पे नहीं चलते तो इस आयत का मतलब फिर आप समझाइए। अब आइए तीसरी चीज, कुरान अजीम में खुद अल्लाह फरमाता है कुरान जो है ये गुमराह भी करता है। कुरान हिदायत भी देता है, गुमराह भी करता है। कुरान खुद अपने बारे में कहता है ये दिलो भी कसीर व यहदी भी कसीर। महबूब हमने चीज आप पर उतारी, ये कुरान नाजिल किया, इससे हम बहुत सो को गुमराह कर देंगे और बहुत सो को हिदायत दे देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस कुरान को आप इतना सीने से लगाए बैठे हो और कह रहे हो कि हिदायत के लिए यही काफी है, वो खुद कह रहा है कि मैं गुमराह कर दूंगा, तो फिर आप बचोगे कैसे? तो कुरान ही को जवाब देता है कूनु मासादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओगे तो गुमराह नहीं होंगे, और सच्चों से हटकर काम करोगे गुमराह हो जाओगे। तो सच्चों में सबसे बड़ा सच्चा कौन है? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस के बगैर अमल नहीं कर सकते आप। कुरान ने जब कहा कि मगर गुमराह हो जाओगे, तो मतलब ये हुआ कि अगर हदीस छोड़कर सिर्फ कुरान पे बात करोगे तो गुमराहियत के दलदल में चले जाओगे, न ज़कात निकाल सकोगे, न नमाज ढंग से पढ़ सकोगे। अच्छा बात नमाज पर आ गई तो मैं एक और अर्ज कर दूं, कुरान ने तो कहा नमाज कायम करो, ये नहीं कहा कितनी कितनी रकातें और कौन कौन सी नमाज की कब कब पढ़ना है, टाइम नहीं बताया। कुरान ने जगह क्या कहा? कुरान फरमाता है कि हमने नमाज तुम्हारे ऊपर वक्त बांधा हुआ फर्ज किया है, किताबन मौकूता। कुरान कहता है वक्त बांधा हुआ फर्ज है ये तुम पर, तो वक्त बांधा हुआ ये तो कुरान ने बता दिया, लेकिन कब से कब तक, फजर कब से कब तक, जोहर कब से कब तक, असर कब, ये कुरान में नहीं। तो फिर आप इसका फैसला कैसे करोगे कि जोहर का वक्त शुरू हो गया, असर का वक्त शुरू हुआ और जोहर का खत्म हुआ, मगरिब का शुरू हुआ असर का खत्म हो गया? इसके लिए हदीस के बगैर आपको चाहिए। और फिर उसके बाद नमाज की रकातों का जहां तक मामला है, कौन सी नमाज कितनी रकात पढ़ी जाए, फिर क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए, सजदा कब कौन सी आयत पर हो जाता है, ये भी सब कायम है किस चीज में है? हदीस में, कुरान में। और यहां तक के किन चीजों से नमाज मकरूह हो जाती है, किन चीजों से नमाज फासिर हो जाती है, ये भी कुरान में नहीं है, इसका भी जिक्र हदीस में।
आप बगैर हदीस के तो नमाज भी नहीं पढ़ सकते। तो तीसरा दूसरा सवाल ये था मेरा तीसरा कि कुरान ने कहा युदिल बही कसीरा व यहदी बही कसीरा, तो आप ये बताइए कि कुरान कहता है कि इससे हिदायत भी पाएंगे गुमराह भी होंगे, तो वो कौन लोग हैं जो इससे गुमराह होंगे, हदीस पे चलने वाले या ना चलने वाले, ये फैसला करके आप बताइए। अब आइए इसकी मैं तशरीह कर देता हूं कि कुरान से आप गुमराह कब नहीं होंगे। किसी भी चीज के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, कोई भी काम जब आप अंजाम देते हैं तो दो चीजें होती है, उसको उर्दू जबान में हमारे बड़े आसानी से मैं कह दूं, एक होता है फाइल और एक होता है मफूल। ये उर्दू में हमारे, और यही अरबी में भी कहा जाता है फाइल और मफूल। जब तक फाइल ना हो फेल नहीं होगा, मफूल ना हो तब भी फेल नहीं होगा। फाइल और मफूल क्या होता है बहुत आसान कर देता हूं। फाइल कहते हैं करने वाले को और मफूल जिस पर किया जा रहा है। ये आवाज आप तक पहुंच रही है तो ये बोल कौन रहा है, मैं, तो मैं कौन हुआ फाइल, और ये माइक जो पहुंचा रहा है ये क्या हुआ मफूल। बीच में से माइक हटा दो मेरी आवाज आप तक ठीक से नहीं पहुंचेगी। अगर मुझे अपनी आवाज आप तक अच्छे से पहुंचाना है तो दो चीजें चाहिए, एक ये कि मुझे बोलना पड़ेगा, ये तो मौजूद है माइक, अगर मैं चुप हो जाऊं तब भी आवाज नहीं आएगी, तो मेरा बोलना जरूरी और इसका पहुंचाना जरूरी, दो चीजें होती है ना, दो चीजें। तो कोई भी आप काम जब अंजाम देते हो दो चीजें चाहिए, एक करने वाला चाहिए और जिस पर करना है वो चीज, वो रॉ मटेरियल चाहिए। कुरान पढ़ना है आपको, पढ़ने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो किताबुल्लाह हो, किताब हो जिसको पढ़ रहे हैं आप, और दूसरा पढ़ने वाला, और पढ़ने वाले के लिए कुछ लवाजमात है। जब आप कुरान भी आपके पास मौजूद है, आप भी मौजूद है, अब एक चीज की तब भी जरूरत है, और वो जरूरत क्या है, रोशनी की, नूर की। अंधेरे में आप कुरान नहीं पढ़ सकते, तो वो नूर कौन सा है जिसके बगैर आप कुरान नहीं पढ़ सकते हो। कुरान खुद बता रहे हैं कि उस नूर के सहारे पढ़ेगा कुरान तो हिदायत पर रहेगा, और उस नूर को छोड़कर पढ़ेगा तो गुमराह हो जाएगा। कद जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुन मुबीन, हमने किताब जो महबूब पर नाजिल की, ये नूर है रोशन है, और हमने इसके साथ अपने नबी को नूर बनाकर भेजा। नूर नबी की रोशनी में इस किताब को पढ़ेगा तो हिदायत पाएगा, और नूर नबी को छोड़कर पढ़ेगा गुमराह हो जाएगा। बगैर रोशनी की किताब नहीं पढ़ी जा सकती। तो कुरान जब अपनी किताब का अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहा है तो किताब का जिक्र बाद में कर रहा है, पहले नूर का जिक्र कर रहा है, एहसास दिला रहा है, अहमियत जता रहा है, हमारा नबी नूर है, उसकी रोशनी में पढ़ोगे तो गुमराह नहीं होंगे। तो युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इसी कुरान से हम गुमराह भी करेंगे, इसी कुरान से हिदायत भी देंगे। अब आइए तीसरा सवाल, बड़ा मजेदार है, जो आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाएगा, और किसी भी आप अहले कुरान फिरके वाले से जब टकरा जाएंगे तो उसको परेशान कर देना। अब तीसरा सवाल क्या है, कुरान में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पे फरमाया कि खाओ हलाल और सुतरी चीजें। क्या कहा, हलाल खाओ और क्या खाओ, सुतरी। अब कुरान में मुझे बताइए मसूर की दाल का जिक्र है क्या, मूंग की दाल का जिक्र है क्या, तुअर की दाल का जिक्र है क्या, नहीं है। बस इतना कह दिया खाओ हलाल चीजें और सुतरी चीजें, तो अब हलाल भी है और सुतरी भी है, ये बताएगा कौन, नबी, और नबी जो बताएंगे वही बनेगी हदीस। और जब तुम हदीस नहीं मानोगे तो फिर एक काम करो, कुत्ते को धो धाओ साबुन से साफ करो उसको खा जाओ, बोला खाया सुतरी चीजें। सुअर को पकड़ो धो धाओ रगड़ो, अब बोले नहीं नहीं वो सुअर नहीं खा सकते, क्यों, कुरान में कहा कि हमने सुअर का गोश्त हराम किया। मैं कहूंगा देखो कुरान ने साफ लफ्जों में कहा, लहम लफ्ज आया है जिसके मायने होते गोश्त, सुअर का गोश्त, कलेजी का जिक्र नहीं आया, पाए का जिक्र नहीं आया, गुर्दे का जिक्र नहीं आया, भेजे का जिक्र नहीं आया, तो इसका क्या मतलब है, ये क्यों नहीं खाते तुम, गोश्त छोड़ दिया करो, भेजा खा लिया करो, पाए खा लिया करो, वो ना कुरान में दिखाओ कि सुअर का भेजा खाना हराम है, क्या लाल है, नहीं बता सकते। छिपकली खा लिया करो, छचुंदर खा लिया करो, सद्दा खा लिया करो, कुरान में कहां बताओ ये हराम, गधा खा लिया करो, कुत्ता खा लिया करो, कुरान में कहां बताओ, नहीं है। सद्दे का जिक्र कुरान में नहीं है, छिपकल का जिक्र नहीं है, कैचुए का जिक्र नहीं है, छिपकली का जिक्र नहीं है, और क्या कहते हैं सुअर की कलीजी का जिक्र नहीं है, फेफड़े का जिक्र नहीं है, गुर्दे का जिक्र नहीं है, पाए का जिक्र नहीं है, भेजे का जिक्र नहीं है, ऐसी बेशुमार अशिया जिनका जिक्र नहीं है। तो अब ये करके बताएगा कौन,
ये बोलेगा कौन कि मेरे परवरदिगार ने कहा कि हलाल खाओ सुतरी खाओ, तो नबी जिसको हलाल फरमा दे, वो हदीस यहां सादिक आती है कि मेरा हलाल ऐसे ही हलाल है जैसे अल्लाह का हलाल करदा, और मेरा हराम ऐसे ही हराम है जैसे अल्लाह का हराम करदा। मैं जिसको हलाल कर दू वही रब के हलाल करता है, मैं जिसको हलाल हराम कर दू वही रब का हराम करता है, और जिसको मैं पसंद कर लू वो सुतरों में हो जाए, और जिसको मैं नकार दू वो गैर सुतरों में हो जाए। और अगर तुम्हें हदीस का इनकार है तो ये सारी चीजें कुत्ता बिल्ली खाया करो, और नहीं खाते तो फिर कुरान में बताओ कि इनका मना मुमानियत का लिखी है, तो नहीं बता सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हदीस रसूल के बगैर एक इंच भी हम नहीं चल सकते। और आने वाली मजलिस से जब हमारी होंगी तकलीफ पर तो मैं बताऊंगा कि ये तो अहले कुरान का था मामला कि बगैर हदीस के नहीं चल सकते। कुछ बेचारे बोलते सिर्फ हदीस पर चलेंगे, तो उनको भी बताऊंगा इमाम के बगैर वो भी हदीस पर भी नहीं चल सकते। तो तकलीफ भी जरूरी है, हदीस को समझने वाले और समझाने वाले भी जरूरी है। इंशाल्लाह आने वाली मजलिस में हम इनके इतराजात पर गुफ्तगू करेंगे कि जो लोग ये दलील देते हैं, इनके पास भी तो दलील होंगी ना, हर लंगड़ा लूला कुछ ना कुछ बोलता है, जबान रखता है, ऐसा तो नहीं है कि वो भी बिल्कुल बैठे हुए हैं एकदम। तो उनके जो इतराजात है कि हदीस हम क्यों नहीं मानते, तो इंशाल्लाह अगली मजलिस में उनके इतराजात और वो कुरान की आयतें जो वो अपनी दलीलों में पेश करते हैं इंशाअल्लाह वो हम बयान करेंगे। वो मालैन अल बिलागुल मुबीन अहसन मिन कलम तरकत अईनी व अजमल मिन कलम तदिद निसाउ खुलकत मुबर्रअ كأنك قد خلقت كما تشاء.